मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जनपद में बन रहे ऑडिटोरियम और एम्स का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मंडलायुक्त ने सर्वप्रथम सर्किट रोड पर 49,50,00,000 की लागत से निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काम की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के MD को पत्र लिखने का निर्देश दिया। उन्होंने वहां मजदूरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अभियंता के द्वारा बताया गया कि 170 पाइलिंग का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही बाउंड्री वाल के 276 पाइल बना लिए गए हैं, जिस पर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन एम्स परिसर का निरीक्षण कर वहां पर जल जमाव आदि की स्थिति को देखा। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा जल जमाव के बारे में मंडलायुक्त को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कमिश्नर ने OPD विंग, आयुष विंग के निर्माण आदि के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।